नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। सो आज का हमारा कार्ड जो हमने चूज़ करा है या फिर जो कि डेक से निकला है जिसकी आज हम बात करेंगे वो है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स देखा जाए तो बहुत एक अपने आप में एक मिस्टीरियस कार्ड है। वैसे तो टैरो का हर कार्ड ही अपने आप में एक मिस्ट्री है, लेकिन सेवन ऑफ कप्स अपने आप में थोड़ा सा बड़ा मिस्ट्री है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको शायद पता होगा कि टैरो कार्ड्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। एंड मेजर अरकाना का सिंपल मतलब होता है बिग सीक्रेट्स, बड़े बड़े रहस्य, और माइनर अरकाना का मतलब होता है छोटे रहस्य। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट सीक्रेट्स इन टैरो कार्ड्स। तो टैरो में जो है जब हम माइनर अरकाना की बात करते हैं तो माइनर अरकाना जो है हमें बात कर रहा है कि लाइफ की ऐसी सिचुएशन जो आप फेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और अगर मेजर अरकाना की बात करें, दीज आर द बिगर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ और बिगर फाउंडेशंस और प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ व्हाट द मेजर अरकाना इज़ ऑल अबाउट। एनीवेज, अब हम इसकी रीडिंग में उतरते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कीवर्ड्स देख लें कि इसके लिए कीवर्ड्स क्या हैं जो इस कार्ड्स के थ्रू बाहर आते हैं। कीवर्ड्स आर चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज, विशफुल थिंकिंग, इल्यूजन, ड्रीम्स, क्लाउडीनेस, नॉट इन टच विद रियलिटी। So these are some of the keywords which pop out. So Seven of Cups is a card of projection and fantasy. ये card जो है इसकी अगर हम reading में उतरते हैं तो it gives you a feeling that it's a card of projection, कि एक आदमी projection कर रहा है एक और अपने उसके जो है एक fantasy है उसके अंदर जो चल रही है। तो ये जो सब आप जो कप्स देख रहे हैं इट्स पार्ट ऑफ हिज फैंटेसी। एंड आप ये भी देखेंगे कि उसका जो उसके सर के ऊपर है क्लाउड्स, अगर आप देखेंगे सो हिज हेड इज क्लाउडेड, यू नो, लाइक ही इज ऑल क्लाउडेड। एंड जब भी हम क्लाउड का एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसका मतलब सिंपली ये होता है कि दैट ही कांट सी प्रॉपरली, that he is, his vision is clouded, he can't see clearly. तो वो कोई भी decision लेगा, कोई भी choice करेगा अपने लिए वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि vision जो उसका पूरा clouded है। तो वो सारा का सारा जितना भी वो जो choice कर रहा है वो it's based on feelings and he is not in touch with reality. And because if he is not in touch with reality, he is bound to choose something which is not right for him. तो इस कार्ड का जो है इस कार्ड को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, इन टच विद रियलिटी, दैट दिस पर्सन शुड बी इन टच विद रियलिटी, ओनली देन ही इज़ गोइंग टू चूज़ द बेस्ट थिंग फॉर हिमसेल्फ। और इस बैलेंस को बनाने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, इस आदमी के पास रैशनल माइंड होना चाहिए। अगर रैशनल माइंड नहीं होगा तो सिर्फ प्रोजेक्शन और इमेजिनेशंस ही होंगी। कार्ड की अगर आप थीम में जाएंगे, कार्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि दैट इट्स अ एनवायरनमेंट ऑफ कंफ्यूजन, दैट दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू चूज द राइट डायरेक्शन फॉर हिमसेल्फ और द राइट थिंग फॉर हिमसेल्फ। सो ऑल दीज थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही कांट रियली चूज। वो अपने लिए कोई जो चूज़ करना चाहता है जो अपने लिए उसके सामने जो ऑब्जेक्ट्स जो शो हो रहे हैं, ही कांट रियली चूज इट। ये कार्ड उस आदमी के ऊपर ज़्यादा सूट करता है जिसके ऊपर हम ये कहावत कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हवा में तीर चलाना। सो दिस इज़ द मैन हु इज़ लाइक जस्ट ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स, वो हवा में तीर चला रहा है। और हवा में तीर चला रहा है तो हवा में तीर चलाने का मतलब कोई रिजल्ट्स नहीं है, ना उसके पास तीर है, ना उसके पास कोई सच में कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। सो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ऑन इमेजिनेशन। सो एज आई सेड, लाइक दिस मैन इज़ नॉट रियली इन टच विद द रियलिटी। सेवन ऑफ कार्ड्स के अंदर जब हम देखते हैं तो
इसके बहुत सारे टेक्स हैं, इसके लिए बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं जो आ सकती हैं सामने। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन थोड़े बहुत उन टेक्स की बात करें जो मुझे लगता है कि विच रियली मेक सेंस। एक तो टेक जो मैं देखता हूँ कि लाइक दिस मैन, ये जो फिगर दिखाई गई है, ही इज़ ड्रीमिंग, एंड वाई इज ही ड्रीमिंग, बिकॉज द इमेज इज़ इन ब्लैक। तो वो ब्लैक इसलिए भी है क्योंकि इट स्टैंड फॉर अनकॉन्शियस, एंड ब्लैक होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि जब हम ड्रीम करते हैं, अगर आपने नोटिस करा हो, तो वी जस्ट ड्रीम, वी डोंट रियली सी आवर ओन सेल्फ। वी सी थिंग्स, वी सी पीपल, वी सी ऑब्जेक्ट्स, वी सी एवरीथिंग। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते। तो इसमें भी यही हो रहा है कि लाइक ही इज सीइंग थिंग्स, लाइक ही इज ड्रीमिंग अबाउट दीज थिंग्स, एंड दीज ड्रीम्स कुड बी गुड एंड बैड। और उसकी ड्रीम्स के अंदर जो है, उसके डिज़ायर्स जो हैं वो पॉप आउट हो रहे हैं, और उसके फियर्स भी पॉप आउट हो रहे हैं, जो कि दोनों शो कर रहे हैं। क्योंकि इसमें नंबर 7 है, और नंबर 7 को हम कनेक्ट करते हैं मैन से, और क्योंकि हम 7 को मैन से कनेक्ट करते हैं, उसके साथ जो है जब हम इमोशंस को जोड़ते हैं तो वहाँ पे अनबैलेंस क्रिएट होता है। तो हम इस कार्ड में देखते हैं कि एक डिल्यूजनल फिगर है, समवन हु इज़ इमोशनली अनस्टेबल, एंड बिकॉज 7 इज़ अ कार्ड ऑफ मैन, तो इसमें मैन की एनर्जी को सिग्निफाई किया गया है। अगर हम फिगर को देखें तो इट डजेंट सीम्स टू बी इन अ रिलैक्स पोजिशन, कोई एक अच्छी स्टेट में नहीं शो करता। एक फियर और पैनिक, एक अनईज जो है इस फिगर में शो किया गया है। Like he is surprised and shocked, he doesn't know what is coming, or like everything is like come which is in front of his eyes, he is not sure what is happening. तो एक shock की position show की गई है इस card के अंदर। और black color जो है unconscious के लिए भी symbolize करता है, things which are deep sitting inside of him, and these things can be good and bad. आदमी अपने unconscious में बहुत कुछ डालता है unconsciously, उसमें फियर भी है, उसमें गुड इमोशंस भी हैं, उसमें बैड इमोशंस भी हैं, इट्स ऑल मिक्स्ड अप। सो दिस इज ऑल्सो कुड बी लाइक समवन, लाइक डीप अनकॉन्शियस स्टेट इज शोन अप ऑफ अ मैन हु इज लाइक सीइंग ऑल दीज थिंग्स, लाइक ऑल दीज थिंग्स आर लाइक सिटिंग इनसाइड ऑफ हिम, एंड इट सजेस्ट फियर एंड अनरियलिस्टिक होप, एक्सपेक्टेशंस विच प्रॉब्ली विल नेवर बी फुलफिल्ड। This is what is happening in the 7 of Cups. अगर हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें इस कार्ड का, तो इट कुड बी समवन हु इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी, हु हैज़ डिफरेंट आइडियाज पॉपिंग इन देयर माइंड, एंड दे आर यूजिंग दिस क्रिएटिविटी टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी दिस इज़ अ गुड कार्ड। एक टेक और हो सकता है कि इस आदमी को चॉइस है इसके सामने, द काइंड ऑफ लाइफ विच ही वॉन्ट्स टू क्रिएट फॉर हिमसेल्फ, and this could be good or bad, depends on you. So if you are in this position, probably you are given this choice, what are you going to choose for yourself? So it's just like, you know, you have been given a canvas, ek aapko ek blank canvas de diya gaya hai, aur is blank canvas ke upar ab aapke paas choice hai. Ab isme aap chahe to phool bana sakte hain, fairies bana sakte hain, nature डिपेक्ट कर सकते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, या फिर उसमें जो है भूत प्रेत भी बना सकते हैं, ईविल बना सकते हैं, समथिंग विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर द आईज, विच हर्ट्स यू, यू कैन ऑल्सो मेक दोज थिंग्स ऑल्सो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस कार्ड ऑल्सो गिव्स यू अ चॉइस, लाइक यू कैन चूज अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, यू कैन चूज टू पेंट द काइंड ऑफ अ लाइफ विच यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ ऑल्सो वन टेक फॉर 7 ऑफ कप्स। सो अगर नए टेक की बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये आदमी अपने लिए एक नई लाइफ ड्रीम कर रहा है, लाइक ही इज फेड अप ऑफ दिस लाइफ, बिकॉज ही इज़ नॉट इन टच विद द रियालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट, एंड बिकॉज ही इज़ नॉट इन टच विद द रियालिटी, ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक ही इज़ नॉट इन द बॉडी, ही इज़ इन हिज इमेजिनेशन।
ही इज़ थिंकिंग अबाउट अ न्यू लाइफ वेयर ही विल हैव ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स एंड दीज चैलेंजेस एंड ऑल द थिंग्स विच ही इज़ एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ. सो जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि देर आर लाइक चॉइसेस प्रॉब्ली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वॉट इट सजेस्ट इज नॉट टू चूज बिकॉज यू आर नॉट रियली इन टच विद रियालिटी एंड वॉट एवर यू गोइंग टू चूज इट इज गोइंग टू लैंड यू नो वेयर बिकॉज दीज आर जस्ट ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस.